हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे आवर टॉपिक इज़ डाइबोरेन। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डाइबोरेन की स्ट्रक्चर की। ठीक है, सबसे पहले चलिए जान लेते हैं डाइबोरेन क्या होते हैं। तो वैसे तो नॉर्मली अगर हम कहें कि बोरेन डायरेक्टली कंबाइंड नहीं होता हाइड्रोजन के साथ या फिर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं देता हाइड्रोजन के साथ, बट फिर भी बोरोन के कुछ हाइड्राइड्स पॉसिबल होते हैं जिन्हें हम बोरेन कहते हैं। ठीक है, इनको हम बोरेन भी कहते हैं। और इनमें जो सबसे सिंपलेस्ट बोरेन या हाइड्राइड ऑफ बोरोन है वो है हमारा डाइबोरेन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइबोरेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो डाइबोरेन की स्ट्रक्चर एक कुछ टिपिकल होती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि ये बहुत बार आ जाती है एग्ज़ाम्स में कि राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो आप इसमें इसी तरीके से लिखेंगे जैसे मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, और अच्छे से समझ लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोरोन हाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स एज देयर आर नॉट इनफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। दैट इज़ कि जो बोरोन हाइड्राइड या डाइबोरेन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं या इलेक्ट्रॉन की कमी वाले कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनके पास इतने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं होते कि ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सके। ठीक है, इसके बाद बोरोन हैज़ थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड देयरफॉर इट कैन फॉर्म थ्री कोवेलेंट बॉन्ड्स। दैट इज़ कि बोरोन की आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ तीन ही इलेक्ट्रॉन हैं, जिस वजह से ये सिर्फ तीन ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन कोवेलेंट बॉन्ड तीन हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से बनेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बोरोन के और एक एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन है, और शेयरिंग के साथ तीन कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई एक बोरोन एटम के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट बोरोन एटम भी इसी तरीके से तीन हाइड्रोजन के साथ तीनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है और तीन कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। अब ये दो अलग अलग तरह के BH3 बन जाते हैं। अब इनके बीच में बॉन्ड कैसे बने, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बोरोन के पास तीन ही इलेक्ट्रॉन थे और तीनों उसने शेयरिंग कर ली। इसी तरीके से इसके पास भी तीन इलेक्ट्रॉन थे, उसने तीनों के साथ शेयरिंग कर ली। अब इनके बीच में कौन सी शेयरिंग होगी या इनके बीच में बॉन्ड कैसा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे कि बोरोन की स्ट्रक्चर फिर कैसे होगी। अगर इस तरीके से हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन के साथ एक बोरोन अटैच हो रहा है, फिर इसी तरीके से तीन हाइड्रोजन के साथ एक बोरोन शेयरिंग के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तीन, तो बीच का बॉन्ड कैसा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन इफ ईच बोरोन एटम इज अटैच्ड विद थ्री हाइड्रोजन एटम्स नो इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू बोरोन एटम्स। ठीक है, यही मैंने बताया कि अगर प्रत्येक बोरोन एटम तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से तीन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो दोनों में से किसी भी बोरोन के पास कोई भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं बच जाता जिससे दोनों बोरोन अटैच हो सके या दोनों बॉन्ड के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो इसके लिए द इंफ्रारेड एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेजरमेंट सजेस्ट दैट डाइबोरेन हैज़ द स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन ब्रिज बिटवीन टू बोरोन एटम्स एज। तो इंफ्रारेड एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेजरमेंट सजेस्ट करता है कि डाइबोरेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी जिसमें दो हाइड्रोजन ब्रिज की तरह काम करेंगे दोनों बोरोन को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे जो हाइड्रोजन होते हैं ये होते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, और ये वाले जो हाइड्रोजन होते हैं ये होते हैं ब्रिज हाइड्रोजन जिसे हम बोलते हैं। तो ये टर्मिनल हाइड्रोजन और बोरोन एटम के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है या इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये होती है 1.19 एंगस्ट्रॉम, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, HBH का बॉन्ड एंगल होता है टर्मिनल वाले हाइड्रोजन के और बोरोन के बीच का बॉन्ड एंगल होता है 121.5 डिग्री। इसी तरीके से ब्रिज हाइड्रोजन और बोरोन के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम, और ब्रिज हाइड्रोजन एंड बोरोन के बीच का बॉन्ड एंगल होता है 97 डिग्री, और BHB एंगल होता है 82 डिग्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। और इसी के साथ दोनों बोरोन एटम के बीच की डिस्टेंस होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम। तो इंफ्रारेड स्ट्रक्चर ये सजेस्ट करती है कि डाइबोरेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों होती है इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमें इसमें लिखना है इन दिस स्ट्रक्चर द फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड टू बोरोन एटम्स लाई इन द सेम प्लेन एंड टू ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स लाई सिमेट्रिकली बिलो एंड अबो द प्लेन।
दैट इज़ कि ये फोर जो टर्मिनल हाइड्रोजन है ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको एक प्लेन मान लें पेपर को, तो ये चारों हाइड्रोजन हमारे इसी प्लेन में होंगे, और ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है एक अबव द प्लेन ऑफ पेपर होगा और एक बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होगा, ठीक है। यानी कि एक अबव द प्लेन ऑफ प्लेन के ऊपर होगा और एक प्लेन के नीचे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बताई गई है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है इस स्ट्रक्चर का? ईच बोरोन एटम्स इन डाइबोरेन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे? कि बोरोन की ग्राउंड स्टेट होती है 2s2 2p1, एक्साइटेड स्टेट में s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके 2p y में चला जाता है, ठीक है, और एक हमारा 2pz ऑर्बिटल एम्प्टी बचता है। तो ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि BH3 या बोरोन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए था, बट ये sp3 क्यों है? क्योंकि ये जो हमारा वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये भी हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इस वजह से हमारे चार ऑर्बिटल हो जाते हैं, चार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाते हैं, जिससे हमारी डाइबोरेन की स्ट्रक्चर सेटिस्फाई होती है। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, डिक्टेट कर रही हूँ मैं आपको, नोट कर लें इसको। दीज थ्री हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स दैट इज 2s 2px 2py, जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दीज थ्री हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड वन एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल, ये वाला हाइब्रिडाइज टू गिव 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दैट इज की तीन हाफ फिल्ड 2s 2px 2py एंड वन एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल चार हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देते हैं। आउट ऑफ दीज फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 हाफ फिल्ड ऑफ फोर्थ इज एम्प्टी, ठीक है। इसके बाद टू ऑफ दीज हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद द 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ईच ऑफ द टू टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स। अब ये थोड़ी सी लंबी लाइन हो गई, इसके बारे में बता दूं कि ये जो हमारे तीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आए हैं, इनमें से दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दो टर्मिनल हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके दो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि इन वाले हाइड्रोजन के साथ, इसके पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो दो एक इसके साथ ओवरलैप कर लेगा और एक इसके साथ ओवरलैप कर लेगा और हमारे दो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक। इसी तरीके से सेकंड बोरॉन भी करता है, सिमिलरली सेकंड बोरॉन आल्सो फॉर्म दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स। इसके बाद नाउ द रिमेनिंग वन हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ वन बोरॉन, इसको ध्यान से पढ़ें, नाउ द रिमेनिंग वन हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, क्योंकि हमारे पास अभी दो बोरोन के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हुए हैं, अभी एक शेष बचता है, तो इनमें से जो शेष बचता है ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरोन का। इसके बाद वन हाफ फील्ड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का जो ब्रिज हाइड्रोजन है उसका 1s ऑर्बिटल और एक एम्प्टी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, दैट इज सेकेंड बोरोन एटम फॉर्म ए 3-centered इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, दैट इज वन इलेक्ट्रॉन पेयर बाइंड्स 3 atoms BH and B। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तो मैंने बताया कि बोरोन के तीन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे हाफ फील्ड, उनमें से दोनों तो ओवरलैप कर लिया हाइड्रोजन के साथ, अब एक शेष बचता है हमारा, ठीक है, एक बोरोन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल एंड तीसरा बोरोन का, अगले बोरोन का एम्प्टी ऑर्बिटल, तीनों आपस में ओवरलैप करते हैं और एक 3-centered 2-electron पेयर बना लेते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास दो ही है यहाँ पर, बट तीन ऑर्बिटल को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं 3-centered 2-electron पेयर, ठीक है। तो ये हमारा जो बनता है, ये बनता है हमारा हाइड्रोजन ब्रिज। तो अभी मैंने ये डिक्टेट कर दिया, अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये हमारे तीन बोरोन के हाइब्रिड ऑर्बिटल थे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये जो डॉटेड लाइन से बनाया है ये है एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग हुई तो हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, इसी तरीके से यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई और हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब एक ऑर्बिटल इसका बचता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन और है, ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे हुआ। अब इसका हमें लेना है एम्प्टी ऑर्बिटल और इसका लेना है हमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल, ये तीनों आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और एक 3-centered 2-electron पेयर बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है।
तो इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड, यही बॉन्ड है हमारा, कौन सा? बनाना बॉन्ड। इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली दिख गया होगा, ये जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बताई थी कि 4 हाइड्रोजन हमारे होते हैं प्लेन में, और 1 हाइड्रोजन हमारा होता है बिलो द प्लेन, और 1 हमारा हाइड्रोजन होता है अबव द प्लेन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी डाइबोरेन की स्ट्रक्चर थी, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको नहीं क्लियर होती है तो प्लीज़ आप मुझे बता दें, ताकि मैं आपको उसको फिर से समझा सकूँ, ठीक है। और अगर आपको ये क्लियर होती है तो ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए, आप इसको अच्छे से समझ लें, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।